खबर उन्नाव से है, जहां इंट्रो गाय के गोबर से रंगोली बनाकर दिवाली के त्यौहार को खास त्यौहार बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्नाव में जहां भारतीय किसान मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संगठन मंत्री अंकित शुक्ला के द्वारा एक अद्भुत पहल की जा रही है। रोशनी के पर्व दिवाली पर घरों की साफ सफाई के साथ ही हर कोई अपने अपने तरीके से आकर्षक सजावट भी करता है। इसमें घर के आंगन, बाहर रंगोली और दीपों से सजावट भी देखते हैं। अगर आप दिवाली के त्यौहार को खास बनाना चाहते हैं तो आइए इस बार भारतीय किसान मंच आप सबके लिए गाय के गोबर के बुरादे से रंगोली बनाकर मनाया जाए। इसमें आप सेल्फी विद रंगोली कॉन्टेस्ट में भाग लेकर आप आकर्षक उपहार भी जीत सकते हैं। दीपावली पर घरों में महीनों भर पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोई इस दिन को यादगार बनाने में लगा रहता है। ऐसे में अंकित शुक्ला की ओर से उन्नाव के साथ ही गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, बलिया, मऊ, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर पाठकों के लिए सेल्फी विद रंगोली कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें आप अपने घर के आंगन और बाहर रंगों और दीपों से गाय के गोबर से निर्मित रंगोली बनाकर भाग ले सकते हैं। आप मोबाइल नंबर और शहर का नाम लिखकर अंकित शुक्ला को व्हाट्सएप नंबर पर 6393356055 पर 24 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। उन्नाव से अतुल शुक्ला की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर बहराइच से है, जहां जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्र मिश्रा मंजू के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आज आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बहराइच से अटल बिहारी त्रिवेदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर बहराइच से है, जहां राजी चौराहा राजेश पुत्र घसीटे के ऊपर राधेश्याम मिश्रा कोटिया व रेणु वाजपेयी राकेश तिवारी कोटिया ने शौचालय की सीट की चोरी का आरोप लगाकर उसका सिर मुड़वा दिया और काली मोबाइल से नहलाकर मारपीट की, जिससे पीड़ित ने हरदी थाने पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं हरदी पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बहराइच से अटल बिहारी त्रिवेदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।